नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग न्यूज़ और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों, कल के IPL मैच के बारे में आइए आप लोगों को बताते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 में अभी तक कुल 23 मैच खेले जा चुके हैं। बुधवार 28 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग CSK और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेला गया, जिसमें CSK ने आसानी से 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। 172 रनों के पीछा करते हुए CSK ने 18.3 ओवर में 3 विकेट गवा कर जीत हासिल कर ली। CSK की टीम ने पहले मैच में मिली करारी हार के बाद मुड़कर नहीं देखा और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जादू एक बार फिर से चलता हुआ नजर आया, इसका फ़ायदा सीधा CSK को जमकर मिला। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि IPL पॉइंट टेबल में पिछले कुछ दिनों से RCB और CSK के बीच टॉप पोजीशन को लेकर के करारी टक्कर चल रही है। CSK की टीम नेट रन रेट के मामले में फिलहाल RCB से आगे है और RCB और CSK दोनों ने अभी तक 6-6 मैच खेले हैं, जिनमें महज एक मैच में हार झेली है। CSK को अपने ओपनिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने हराया था, जबकि RCB को CSK ने हराया था। तो दोस्तों, ये था कल के मैच के बारे में और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।